जय हिंद गाइस। तो पीजी के चार विषयों का कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही में इसमें बताया गया है कि परस्नातक स्तर के चार पाठ्यक्रमों में कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी मतलब स्टूडेंट्स को एलयू की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एमएससी मानव शास्त्र बायोटेक्नोलॉजी और एमए पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन एवं एमए प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विषय की कट ऑफ जो है वो जारी कर दी गई है। इसी के आधार पर काउंसलिंग कराई जाएगी। साथ ही में हम बात करेंगे एमएससी और बायोटेक की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एमएससी बायोटेक पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन और एएचआई की मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। एमएससी एंथ्रोपोलॉजी पहली मेरिट लिस्ट में 18, बायोटेक में पहली लिस्ट में 80, AIH में 1 और पब्लिक हेल्थ में 82, मतलब स्टूडेंट्स का टोटल ओवरऑल सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे यूजी के जितने भी बच्चे थे जिन्होंने अंतिम वर्ष का अंक जो है नहीं अपलोड किया है, इसकी जो लास्ट डेट दे रखी है मार्क्स अपलोड करने की वो आज की है 22, मतलब रात तक आप कर सकते हैं 12 बजे से पहले। तो जिन भी बच्चों ने नहीं किया है वो अपना मार्क्स अपलोड कर दें। लॉग इन आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको वहाँ पे अपलोड जो है कर देना है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट था फॉर पीजी स्टूडेंट्स। और साथ ही में हम देखेंगे कि जो एलएलबी की क्लासेस हैं 28 अगस्त से जो है शुरू होंगी। इसके लिए इसमें टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो इसमें बताया कि इंटीग्रेट एलएलबी 5 वर्षीय के विषम सेमेस्टर और एलएलबी 3 वर्ष के तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो 28 अगस्त से शुरू होंगी। साथ ही में एलएलबी का इंटीग्रेट 5 वर्षीय की ओरिएंटेशन जो क्लासेस हैं वो 23 से 26 अगस्त तक चलेंगी। तो यहाँ पे प्रोफेसर बीडी सिंह ने पत्र जारी कर दिया है और उनके मुताबिक कक्ष संख्या 1 में सुबह 11 बजे से कक्षाएं शुरू होंगी, यानी 11 बजे सुबह क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था एलएलबी वाले बच्चों के लिए। और साथ ही में वहाँ पे पीजी वाले बच्चों का भी मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप लोग प्रॉपर चेक कर लीजिएगा।